हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल kcjmngo.com। और दोस्तों, पिछले दिनों FCRA डिपार्टमेंट ने एक नया चार्टर इश्यू किया है जिसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। कुछ तो पुराने हैं, कुछ नए इश्यूज किए हैं, कुछ कुछ पुराने के क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। चलिए तो डिटेल में आज देखते हैं हर एक पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले पॉइंट में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि FCRA फंड जिस ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है उसी के लिए यूज होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट है कल्चरल, एजुकेशन, सोशल, लीगल, तो उसी के तहत ही उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना FCRA रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखना चाहिए। उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया होता है कि आपको ये रजिस्ट्रेशन किस पर्पस के लिए मिल रहा है, किस ऑब्जेक्ट के लिए मिल रहा है, और उसी ऑब्जेक्ट के लिए आपको यूटिलाइज करना है। इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि इस रजिस्ट्रेशन को 5 ईयर्स के लिए दिया जाएगा। इस पॉइंट में चार्टर में बताया गया है अबाउट द रिन्यूअल। रिन्यूअल में बहुत कंफ्यूजन था, पहले 1 साल के लिए करना है या 6 मंथ्स बिफोर करना है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था। उसको यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है उसके 6 मंथ्स बिफोर आपको ये एप्लीकेशन कर देना है। फॉर्म नंबर FC3 में ऑनलाइन करना है, तो 6 मंथ बिफोर एक्सपायरी ऑफ योर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू अप्लाई फॉर द रिन्यूअल। तो 6 मंथ्स के कितने पहले वो नहीं बताया गया है, उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। मतलब कि आप जो 6 मंथ्स के पहले 1 साल के पहले कर सकते हैं या 3 महीने पहले कर सकते हैं, इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। हालांकि ये बहुत क्लियरली बताया गया है कि अगर आपका एक्सपायरी आ गया और आपने रिन्यूअल नहीं करवाया है तो डेफिनेटली आपका रजिस्ट्रेशन सीज हो जाएगा। माने कि आप नया फंड नहीं डाल सकते बैंक अकाउंट में या उसको यूटिलाइज भी नहीं कर सकते जो पड़ा हुआ है। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि अब सारा फंड, चूंकि अमेंडमेंट 2020 के तहत सबको मेन FCRA बैंक अकाउंट न्यू दिल्ली स्टेट बैंक में ओपन करवाना है, तो आपके सारा फंड जो आएगा फॉरेन FC फंड उसको नए बैंक अकाउंट में ही जाना है। जो न्यू दिल्ली SBI मेन अकाउंट है उसी में ही उस फंड को जाना है। वहां से हालांकि आप यूटिलाइजेशन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये भी यहां पर मेंशन किया गया है कि जैसे ही आपका FCRA अकाउंट न्यू दिल्ली ब्रांच में ओपन हो जा रहा है, जो कि कई लोगों का ओपन हो रहा है इन दिनों, तो उसके होने के बाद, आपको अकाउंट नंबर मिलने के बाद, यू हैव टू फाइल फॉर्म नंबर FC6C। हाँ, आपको फाइल करना है फॉर्म नंबर FC6C, जो चेंज ऑफ बैंक अकाउंट वाला है, मेन बैंक अकाउंट वाला, उसको फाइल करना है और उसका अप्रूवल लेना है। वंस दी FCRA डिपार्टमेंट अप्रूव दैट फॉर्म FC6C, देन ओनली योर बैंक अकाउंट विल बी ऑपरेटिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों ये लिखा गया है, जो पहले भी इंस्ट्रक्शन है और हम कई बार बताते हैं, दैट डू नॉट मिक्स FC एंड डोमेस्टिक फंड्स। और ये चार्टर में भी उसको फिर से रिपीट किया गया है, और आगे एक जगह चार्टर में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है दैट यू हैव टू मेंटेन सेपरेट रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड यू शुड मेंटेन सेपरेट असेट्स, असेट्स रिकॉर्ड्स लाइक असेट रजिस्टर्स एटसेट्रा। तो अगेन एंड अगेन FCRA डिपार्टमेंट ये बताता रहा है कि आपको कभी भी FC और डोमेस्टिक अकाउंट के फंड को मिक्स नहीं करना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? इफ यू आस्क मी, यू टेक माय ओपिनियन, एज पर माय ओपिनियन, आई एम बीइंग कंजर्वेटिव, यू शुड मेंटेन सेपरेट टैली, सेपरेट रजिस्टर्स लाइक फिक्स्ड रजिस्टर्स, एडवांस रजिस्टर्स, इवन द टैगिंग ऑफ द असेट शुड बी सेपरेटली मेंटेन, कैश शुड बी मेंटेन सेपरेटली, इवन अ कैश रजिस्टर, बैंक ऑब्वियसली इट्स अ सेपरेट, एंड नेवर नेवर फॉर इवन एनी रीजन ट्रांसफर FC फंड फ्रॉम वन बैंक टू योर नॉन FC बैंक, इवन फॉर द पेमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स लाइक EPF एंड ग्रेजुएटी एंड सच अदर थिंग्स। सो बेहतर यही रहेगा कि उसको क्लियर कट डिस्टिंग्विश सेपरेट रखा जाए, और FCRA ने वही चीज यहाँ पर रिपीट की हुई है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है FCRA अमेंडमेंट 2020 का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आप सब ग्रांटिंग नहीं कर सकते। मतलब कि आप FC फंड किसी और ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकते एज अ सब ग्रांट, बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है।
और बिकॉज ऑफ द वर्डिंग मैनी ऑर्गेनाइजेशन आस्किंग के कैन बी पे एज अ कंसल्टेंसी टू अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी सर्विस रेंडर्ड बाई देम, और क्या हम उनके स्टाफ को एज एन एडवांस पे कर सकते हैं रीइंबर्समेंट मोड में? सो माई आंसर इज नो, प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि अगर ये इफ इट इज प्रूव दैट यू हैव ट्रांसफर्ड फंड टू अदर ऑर्गेनाइजेशन यू विल बी इन ट्रबल। जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है वो ये है कि जो भी एफ सी पैसों से असेट्स लिया जा रहा है वो संस्था के नाम पे होना चाहिए। सो फिक्स असेट्स परचेज और प्रोक्योर्ड फ्रॉम एफ सी फंड या एफ सी को का कोई डोनेशन मिला हुआ इन काइंड, दैट असेट्स मस्ट बी इन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट इन द नेम ऑफ द चीफ फंक्शनरी और सम स्टाफ। सो जो एफ सी आर ए 2020 अमेंडमेंट का वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रिस्ट्रिक्टेड टू 20%, अगेन उसको यहाँ पर चार्टर में रिपीट किया गया है और हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी बहुत सारी डिबेट्स हो चुकी है। यस दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेट एफ सी आर ए फिनेंशियल्स। अभी भी जब हम ऑडिट पे जाते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वही कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट पी एन एल रिसिप्ट पेमेंट जो उनके ऑडिटर बना करके देते हैं, जो इनकम टैक्स वगैरह में जाता है, उसी को एफ सी आर ए के एफ सी फोर एनुअल फॉर्म के साथ अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत क्लियरली इस चार्टर में लिखा गया है कि आपको सेपरेट एफ सी आर ए रिसिप्ट पेमेंट बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर अपलोड करना है विथ एफ सी फोर एनुअल रिटर्न, और ये ऑनलाइन ही जाना है, कहीं भी पेपर रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगा। सो अनदर थिंग इज मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टिल हाउ मेनी इयर्स, कुछ लोग 8 years बोल रहे थे, 10 years बोल रहे थे, यहाँ पर एफ सी आर ने क्लियर कर दिया है दैट फॉर एफ सी दे रिक्वायर ओनली फॉर 6 years। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं और बहुत क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक गाइडलाइंस के तौर पर एक एनेक्शर इश्यू किया है इस चार्टर के लास्ट पेज पे, उसको हम वन बाय वन देखेंगे, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत सारी नई चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही है एफ सी आर ए यूटिलाइजेशन में इन योर ऑर्गेनाइजेशन और इन समवेयर, देन डेफिनेटली वन कैन डायरेक्टली राइट टू एम एच ए विदाउट वेटिंग फॉर एनुअल रिटर्न्स टू बी अपलोडेड। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर एफ सी पैसा कोई गलत जगह गलत एक्टिविटी में यूज हो रहा है तो आप डेफिनेटली उनको ईमेल के थ्रू एफ सी आर ए को इन्फॉर्म करना चाहिए। आपको एफ सी आर ए एनुअल रिटर्न के टाइम तक वेट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, यहाँ पर लायबिलिटी उन्होंने प्लेस कर दी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या चीफ फंक्शनरी के ऊपर के आपको अपने स्टाफ को ऑफिसर्स को कैपेसिटी बिल्ड करना है, उनको नॉलेज ट्रांसफर करना है रिगार्डिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स एंड एक्ट, और उनको इतना इक्विप कर देना है ताकि उनसे कोई गलती ना हो अबाउट डीलिंग विद दी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कुछ जो वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए बताया गया है उसके लिए सबसे पहले आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, देन यू हैव टू अपलोड योर ऑब्जेक्टिव्स एक्टिविटी विजन मिशन, ये सब आपको अपलोड करना है। एफ सी फिनेंशियल्स अपलोड करने के लिए तो पहले ही एक नोटिफिकेशन था, तो आपको रिसिप्ट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट एफ सी अपलोड करने हैं। कई लोग एफ सी आर ए क्वार्टरली रिटर्न भी अपलोड कर रहे हैं, पर जो इम्पोर्टेंट है ये है कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि यू हैव टू अपलोड द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज यूजिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। मतलब कि आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन फंड से उसके बेनिफिशियरीज के नाम एड्रेस और क्या क्या एक्टिविटीज हुए, ये सारी चीजें भी एफ सी आर ए के रूल के तहत आपकी वेबसाइट पे अपलोड करनी है। हालांकि ये डिफिकल्ट है टू अपलोड द नेम ऑफ द ऑल द बेनिफिशियरीज। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन 10,000 बेनिफिशियरीज के साथ काम कर रहा है, या कई लोगों ने कोविड में थाउजेंड्स ऑफ बेनिफिशियरीज में रिलीफ वर्क किया था, तो उसको अपलोड करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमें अभी पता नहीं है इसका क्लैरिफिकेशन क्या आएगा, कैसे लोग अपलोड करेंगे, बट यस टिल देन आप एक
जो प्रोग्रामेटिक रिपोर्ट्स होते हैं या एक्टिविटी रिपोर्ट्स बनते हैं जो फंडिंग एजेंसी को जाते हैं, उसको अपलोड कर दिया करें एज एन एफसीआरए प्रोग्राम एक्टिविटी रिपोर्ट और ऐसा कुछ बना के, जिसमें एटलीस्ट आप किस कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे हैं, आपका ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, क्या एक्टिविटीज थे, आपने कितना एक्सपेंडिचर स्पेंड किया, कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पर हो ताकि आप इस रूल का कोई वायोलेशन ना करें। पॉइंट नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा है कि बिफोर हायरिंग द एम्प्लॉयज बोर्ड या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट करना है रिक्रूटमेंट का। तो ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है, बट एज अ प्रैक्टिस इवन वी सजेस्ट दैट यू शुड फॉलो अप प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस बिफोर हायरिंग एनी स्टाफ मेंबर्स, इवन बिफोर हायरिंग फील्ड वर्कर और कम्युनिटी मोबिलाइजर। आपको उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए क्या ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस रहते हैं, वो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है। मतलब कि क्या आपको पुलिस वेरिफिकेशन करना है या नहीं करना है, या क्या उनका सिर्फ आधार लेकर के ड्यू डिलीजेंस करना है, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी और आपको उसको पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही रिक्रूटमेंट करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। पॉइंट नंबर 7 इज वन ऑफ द बिग रिलीफ, क्योंकि कई एक जगह पर वेबसाइट में एफसीआरए ने लिख दिया था कि कैश विड्रॉल एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन 2,000 रुपीज, उसको चेंज करके यहाँ पर 20,000 का लिमिट बताया गया है कि अगर 20,000 से ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन है देन इट हैज़ टू बी रूटेड थ्रू बैंकिंग चैनल्स। पर फिर भी दोस्तों ये 20,000 का जो लिमिट है वो इनकम टैक्स एक्ट से वायोलेट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो देयर इट इज़ अ 10,000 रुपीज लिमिट फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स। यहाँ ये भी नहीं बताया गया कि इट इज़ पर डे और पर ट्रांजेक्शन। सो कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए डेफिनेटली इट्स अ पर ट्रांजेक्शन पर डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, क्योंकि सारे बोर्ड मेंबर्स को पता नहीं होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे ऑपरेट करते हैं इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि हर ऑर्गेनाइजेशंस को हर 6 महीने में एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज या बोर्ड मेंबर्स का मीटिंग बुलाना चाहिए और वहाँ पर सारे एफसीआरए के एक्टिविटीज या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो बताना चाहिए। एंड दिस एफसीआरए मीटिंग को मिनट्स भी करना चाहिए और उसके रिकॉर्ड भी रखने चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम योर एनुअल जनरल मीटिंग और या आपके बोर्ड मीटिंग्स, आई रिकमेंड दैट आप एक सेपरेट मीटिंग बुलवाए अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की, या जिस दिन आपकी बोर्ड मीटिंग है उसके बाद एक आधे घंटे या एक घंटे के लिए एक एफसीआरए स्पेसिफिक बोर्ड मीटिंग बुलवाए और उसको मिनट्स मेंटेन करें। हर 6 महीने में उसका आपको बुलाना है, मतलब कि 1 ईयर में आपको 2 मिनिमम मीटिंग्स होने चाहिए एफसीआरए स्पेसिफिक मीटिंग्स। सो माय रिकमेंडेशन इज कि आप सेपरेट एफसी मीटिंग्स बुलाए, डू नॉट मिक्स इट विथ योर बोर्ड मेंबर्स मीटिंग। उसी दिन रख सकते हैं 30 मिनट्स का, पर उसके मिनट्स उसके रजिस्टर्स सारा सेपरेट मेंटेन करें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं जो कमेंट में दिया हुआ है, या एफसीआरए की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। प्लीज उसको पढ़िए, समझिए। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ये दिखाइए, एक मीटिंग बुला के उसके ऊपर डिस्कस कीजिए, आपके ऑडिटर से डिस्कस कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके सिस्टम्स को बेहतर बनाइए ताकि जो एफसीआरए के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको आप बेहतरीन और बेहतरीन तरीके से पालन कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।